शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा बुधवार से प्रारंभ हो गई। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैली पुत्री की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र महोत्सव को लेकर बजरंगगढ़ चौराहे स्थित जय अम्बे मंदिर, रामगंज से दुर्गा महाकाली मंदिर, फाइसागर रोड से चामुंडा माता मंदिर सहित घरों में विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई, जहाँ 9 दिनों तक माता की भक्ति आराधना के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दशहराव नवरात्रि महोत्सव पर नगर निगम की ओर से बुधवार को नगर निगम परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने सपत्नीक की। इस मौके पर निगम के राजस्व और मेला अधिकारी पवन मीणा, प्रकाश डूडी सहित अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदों ने भी पूजा अर्चना में भाग लेकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि को निगम परिसर में रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। इस वर्ष नवरात्र महोत्सव और दशहरा का जो आयुर्वेदिक दिन लोग किया जाना है, तो उसके तहत आज हमने नवरात्र के जो स्थापना के दिवस पर मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की है और उसकी आज पूजा अर्चना की गई है। और आज से शाम को 7:30 बजे वो पूजा अर्चना की जाएगी और शाम को 8 बजे से रामलीला का मंचन नगर निगम का जो ऑफिस है उसी प्रांगण में हम इसका मंचन आज शाम से करवा रहे हैं। तो आज शाम से लेकर जो कंटिन्यू और अगले 9 दिनों यहाँ पर रामलीला का वो मंचन और नगर निगम के प्रांगण में चिन्ह किया जाएगा। और इसके पश्चात 19 तारीख को जो दशहरे का जो पर्व है, तो दशहरे पर रावण दहन, जो रावण का जो पुतला है वो हमने इस वर्ष 65 फीट उसकी ऊंचाई रखी है और रावण का जो पुतला उसमें वो तलवारबाजी भी करेगा और साथ में उसमें उसके पश्चात फिर भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी नगर निगम द्वारा पटले ग्राउंड पर किया जाएगा। और फिर और ये इस तरीके से ये पूरा हमारा जो 9 दिन तक का जो पर्व है वो हम मनाएंगे। घरों और मंदिरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की प्रथम शक्ति स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मां के भक्तों ने सुबह से ही घरों में घट स्थापना कर मंदिरों में जाकर मां शैलपुत्री की आराधना की। बहुत से श्रद्धालु भक्तों ने व्रत उपवास रखे तो कई भक्तों ने 9 दिनों तक उपवास लेकर मां की भक्ति की। के दरबार में श्रीनगर कोट माता मंदिर पर आज 37वां झंडा चढ़ाया जाएगा। आज महोत्सव का 37वां वर्ष ही है और सबसे पहले मां के झंडे के साथ में काली का अखाड़ा चलेगा और नगर परिक्रमा मंदिर से प्रारंभ होगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस आज मंदिर पर ही आएगी। रोजाना यहां पर मंदिर पर मंगला आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी, फिर दिन के 12 बजे हवन करके आरती होगी और रात को संध्या आरती हो जाने के बाद में रात को 12 बजे जायफल आरती होगी। जिन लोगों की नगर कोट कुल देवी हैं और जो लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं, वो जिले भर से लोग श्रद्धालु आकर के यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। रामगंज गोविंद नगर दुर्गा महाकाली मंदिर में नवरात्र महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार सुबह कावड़ यात्रा पुष्कर से अजमेर पहुंची और ध्वजारोहण कर 60वें नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पंडित त्रिजु नारायण दुर्गा पाठी के आचार्यत्व में भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर उपवास रखे। यहाँ प्रतिदिन शाम 8 बजे से गरबा रास का आयोजन भी किया जाएगा। दुर्गा महाकाली मंदिर गोविंद नगर रामगंज से आज प्रातः माँ भगवती के मंगल स्नान के साथ भगवती के ध्वजारोहण किया गया। उसी के साथ अनेकों महिलाओं व भक्तजनों ने कलश यात्रा ला के माँ भगवती के अर्पण किए व उसी के साथ आज 9 बजे भगवती का महायज्ञ प्रारंभ किया गया। आप सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ उठाएं। जय माई की। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? आज जो यात्रा जल यात्रा निकाली गई वो रामगंज से लेके मंदिर प्रांगण तक आई है, जिसमें अनेकों महिलाओं ने कलश यात्रा लेके वे कांवड़ यात्रा लेके भक्तजन पधारे हैं और इसी के साथ महायज्ञ प्रारंभ किया गया है। वह दिनांक 12 तारीख को भगवती के प्रांगण में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आप सभी भक्तजन पधार के धर्म लाभ उठाएं।
श्री दुर्गा महाकाली मंदिर गोविंद नगर रामन की ओर से सभी नगरवासियों को इस नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। आपका नाम? मैं पंडित तिरजू नारायण दुर्गा पाठी आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धर्म लाभ उठाएं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।